हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरा कुआं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया है कुआं का शुरुआत, और हमारा कुआं इतना बंद चुका है। और आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस, किस तरह से मेरा कुआं बन रहा है। ये देखिए कितना गहरा कुआं है, और हम देखिए इतना कुआं बांध दिए हैं। और आपको दिखाते हैं किस तरह से हम बांध रहे हैं इसको, और इस तकनीक का किस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं, जो पाइप का प्रयोग हमने किया है। ये देखिए बीच से पाइप हमने लगाया हुआ है, कुएं एकदम बीचों बीच है, और ऊपर हमने ईंट रख दिया है। ये देखिए पहले हमको ईंट रखना होता है, इसके बाद फिर नीचे कोई थमाता है, इसके बाद हम बांधते हैं। तो इस तरह से हम बांध रहे हैं कुआं, और आपको हम तकनीक दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने पाइप में लगाया हुआ है, और इससे जो है कि मिला करके इसको हम जो है कि रख रहे हैं, बांध रहे हैं। और इसके बाद ऊपर से मिट्टी, और जहाँ पे कम बेसी जो है कि ढकना गया है, वहाँ पर जो है कि हम खुरपी से या किसी भी औजार से उसको छांट लेंगे, और हमारा वहाँ पे ईंट अच्छे से बैठ जाएगा। दोस्तों हम जो ये कुआं बांध रहे हैं, हर रद्दे पे जो है कि हल्का हल्का मिट्टी रख रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ऊंचा खाला हो वहाँ पे ईंट अच्छे से बैठ जाए। और ये देखिए कुएं के बीचों बीच हमने पाइप को गाड़ दिया है, और ये ऊपर तक गया है जैसा कि आपने देखा है पहले। और इसमें देखिए पतले तार से हमने रिंग बना करके उसमें जो है सूत को बांध दिया है, और इसको हर रद्दे पे एक रद्दा जोड़ने के बाद एक एक रद्दा 3-3 इंची जो कि ऊपर करते जाते हैं। और इस तरह से हमारा एक चारों ओर घूमता है, और इसमें देखिए कुएं से हमने ईंट को मिला करके वहाँ पे एक गट्ठी बांध दिया है, और ये गट्ठी बंधा रहेगा जब तक एक कुआं बंधा नहीं आए। और ये देखिए इस गट्ठी से हम मिलाते हुए ईंट को जो कि रखते हैं, और ये देखिए इस तरह से हर ईंट रखने के बाद इस रस्सी को हम ईंट से मिला देते हैं। और यहाँ पे हमारा जाली छूट रहा है मुक्की, ये देखिए इस तरह से दो लाइन का हम जाली छोड़ेंगे। तो हर ईंट को मिलाते जाएंगे, और ये बीच से हमारा घूमेगा रस्सी, इस तरह से जो है कि कुआं एकदम गोल आपका बंधेगा, और पूरा वो नीचे से ऊपर तक एकदम अच्छे से बंधेगा। काफ़ी आसान है, आपको सावल नहीं मिलना पड़ेगा, और इस तरह से जो कि कोई भी बांध सकता है कुआं। तो आप भी इस तरह से बांध सकते हैं इस तकनीक से। आपको करना क्या है, बीचों बीच एक पाइप गाड़ देना है, इसके बाद उसमें से एक रस्सी बांध देना है। पाइप को जब भी गाड़े बीचों बीच बस एक बार साउल मिला लें, क्योंकि हमारा पाइप सीधा है कि नहीं सीधा है। इसके बाद आप बांधते जाइए। घर के जो कि सभी मेंबर्स लगे हुए हैं, कोई ईंट थमा रहा है तो कोई मिट्टी डाल रहा है, और हम कुएं को बांध रहे हैं। इससे जो कि काम हमारा आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। हेलो दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं अपना कुआं। ये देखिए हमारा कुआं नीचे से इतना ऊपर तक बना गया है, और वही हमको 4 फीट और बांधना है। हमारा ये 8 फीट बंधा गया है, तो अभी हम दो दिन में इतना कुआं बांधे हैं। अभी एक दिन और लगेगा हमको, क्योंकि इसमें घर का भी काम करना होता है। तो अभी हमारे इतना बंधा हुआ है, और हमने देखिए इस तकनीक को लगाया हुआ है। अभी आपको हम अच्छे से बताएंगे कि ये कैसे कैसे बनेगा। आपके लिए भी, अगर आपके गांव देहात में या कोई भी कुआं बांधना चाहता है, मिस्त्री नहीं लगाया हो, अपने हाथ से बांधना चाहता है, तो इस तकनीक से काफ़ी अच्छे से और अच्छा आसान तरीके से बांध सकते हैं आप। एक बच्चा भी बांध सकता है, 10 साल का बच्चा भी इस तकनीक से कुएं को बांध सकता है, और इसके साथ कोई रहेगा तब भाई, क्योंकि हमारे साथ बच्चा लगा हुआ है और हम लोग बांध रहे हैं काफ़ी आसान तरीके से ये कुआं। और हमारा ईंट भी थोड़ा सा रह गया है, लगता है कि ईंट हमारा घटेगा, तो देखेंगे। थोड़ा सा पुराना ईंट है उसी को लगाएंगे, और
आपको आगे हम दिखाते हैं ये अपना कुआं और कैसे कैसे इस तकनीक को हमने बनाया है, आपको ज़रूर सब दिखाएंगे। तब तक अभी आपको देखते रहिए ये वीडियो मेरा, और आपको दिखाते हैं कितने आसान तरीके से कुएं को बांधा जाएगा। मैंने पहले कभी बांधा नहीं है, अपने तकनीक से इसको बनाए हैं और इसको बांध रहे हैं। लोग देख रहे हैं कैसे अपने बनाया कैसे बांध रहे हैं, कि देखिए भाई। तो दोस्तों आगे आपको हम दिखाते रहेंगे कैसे बनेगा कुआं और इस तकनीक को। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं भाई। और दोस्तों देखिए हमारा ईंट से जो है कुआं वो बनते हुए इतना ऊपर तक आ गया है, अब थोड़ा सा और बाकी रह गया है और इसे हम लोग बांध रहे हैं। सभी लोग लगे हैं और देखिए इस तरह से जो है कि हम रस्सी से मिलाते हुए ऊपर तक आ गए हैं और हमारा कुआं इस तरह से बना रहा है काफ़ी गोल और अच्छे से। थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, देखिए अंडरस में हम बैठे हुए हैं, रस्सी सहारा लिए हुए हैं। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता है, अगर करेंगे तो हो भी जाता है। हम सोचे कैसे हमारा कुआं बंधाएगा, लेकिन इस तरह से इस तकनीक से हम जो है कि कुआं आसानी से बांध लिए। थोड़ा समय तो लगा लेकिन कुआं काफ़ी अच्छे से बंधा, और दो जगह हमने जाली छोड़ा हुआ है। इसके बाद हम ऊपर आते हैं और देखिए ये हमारा कुआं। दोस्तों आप बता सकते हैं हमारा कुआं अच्छा से बंधा है कि नहीं बंधा है, कमेंट भी जरूर बताइएगा। और देखिए हमारा कुआं जो कि ऊपर तक बांध गया है। अब इसके ऊपर हम जो कि सीमेंट का प्रयोग करेंगे, तीन चार अंदा जो है कि सीमेंट लगा करके ईंट को हम बांधेंगे, क्योंकि हमारा कुआं अच्छे से बन जाए, घसके ना, क्योंकि कुआं ऊपर आ गया है। चार अंदा जो है कि सीमेंट बालू से बांधा जाएगा। और हमने देखिए ईंट को भींगा दिया है, अब सीमेंट से जुड़िया होगा। और देखिए दोस्तों अब इसके बाद हम जो कि जोड़ने के बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा। इसके बाद हम पाइप को हटा देंगे और देखिए हम मसाला बनाने के लिए बालू और सीमेंट ला दिए हैं। मसाला तैयार कर लेंगे और ईंट को थोड़ा भिंगा देंगे, इसके बाद जो भी होगा छोड़िए। तो दोस्तों तो देखिए रस्सी से मिलाते हुए हम इतने ऊपर तक आ गए हैं, अब इसे भी रस्सी से मिलाते हुए हम बांध रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से एक ईंट के बाद हम मिलाते जा रहे हैं, इस तरह से जो कि हमारा हर ईंट जो है कि मिलता जा रहा है। जैसे कि साहुल से दूर दूर मिलाते हैं, इससे हर ईंट मिल रहा है। आप देख भी सकते हैं, देख रहे हैं कि हमारा कुआं अच्छे से इतना बढ़ा रहा है, गोल बढ़ा रहा है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरा कुआं जो कि फाइनल हो गया है, इसके बाद हम बनाएंगे कुएं का ढक्कन, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देंगे किस तरह से हम ढक्कन बनाते हैं। ढक्कन भी नहीं बनाया लेकिन इसको भी बनाते हैं। दोस्तों अब ये मेरा कुआं लगभग फाइनल हो चुका है, बस ये जो है कि सीमेंट बालू से जो कि इसको हम बांध देंगे और इसके बाद ऊपर से गोरैया कर देंगे। देखिए फाइनल हो चुका है, इसका गोबर देते हैं, इसके बाद इसे छोड़ देंगे, इसका बनेगा ढक्कन। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।